बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अभी हालांकि 9-10 महीने बाकी हैं, पर तैयारियां जमकर शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि इस तैयारी में सबसे पहले एलजेपी ने अपनी तैयारी मजबूती से शुरू कर दी। आपको याद होगा कि एलजेपी ने कहा था कि वो तैयारियां शुरू कर चुकी है और उसे इस बार के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है। इसके लिए पार्टी ने सांगठनिक चुनाव भी पूरा कर दिए हैं। आपको बता दें कि पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक भी पटना में होने वाली है। बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं विधायक राजू तिवारी, उनकी अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। बैठक में बिहार लोजपा के अध्यक्ष सांसद प्रिंस राज भी उपस्थित रहेंगे। बताया जा रहा है कि लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में विधानसभा के चुनाव को लेकर के पूरी तैयारियां और रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि अप्रैल के 14 तारीख को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करने के लिए भी घोषणा लोजपा के तरफ कर दी गई है। अब आपको बता देते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह की मुहिम चल रही है उसमें राजू तिवारी की भूमिका बड़ी होने वाली है। आपको बता दें कि लोजपा पूरी तरह से एनडीए के साथ है, इस बात की भी घोषणा की गई है, और एनडीए में सीट शेयरिंग के फार्मूला को सुलझा लेने की भी बात की गई है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के नए संसदीय बोर्ड का गठन भी किया गया है। संसदीय बोर्ड के चेयरमैन के रूप में गोविंदगंज के विधायक राजू तिवारी को चुना गया है। कमेटी में कुल 11 सदस्य हैं जिनकी भूमिका बहुत ही अहम रहने वाली है। इन सब को लेकर के चिराग पासवान पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। लगातार चिराग पासवान का बिहार दौरा हो रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में वो बैठकें भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कमेटी जो बनाई गई है उस कमेटी ने बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जमकर लोगों से संवाद स्थापित किया है और उसकी तैयारियां भी शुरू कर रहे हैं। लोजपा पूरी तरह से 14 अप्रैल को होने वाले गांधी मैदान की रैली को सफल बनाने में जुटी हुई है। इसके साथ ही विधानसभा में तैयारियां भी जमकर शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा कि 118 सीटों पर दावेदारी की बात और तैयारी की बात लोजपा ने कही थी, उसके बाद से बिहार में एनडीए के भीतर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी। अब देखने वाली बात होगी कि लोजपा को कितनी सीटें मिलती हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। इन सब के बाद लोजपा की तैयारी जिस तरह से शुरू हो गई है और जिस तरह से वो जमीनी पकड़ बनाने में लगी हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजू तिवारी जब से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं तब से उन्होंने और तेजी से काम शुरू कर दिया है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।